नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube का चैनल एस्ट्रोलॉजी नरेश। आज का वीडियो है सूर्य ग्रह के मघा नक्षत्र के भ्रमण के बारे में। सिंह राशि के अंदर सूर्य भ्रमण शुरू करते हैं 16 अगस्त 2020 को शाम को 7:12 को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र में ये 30 तारीख तक चलेंगे। 16 अगस्त को सूर्य जो भ्रमण करते हैं शाम को 7:12 को, ये 30 अगस्त को दोपहर में 3:07 तक मघा नक्षत्र में चलते हैं। तो ये 13 दिन का जो पीरियड है 13-7-30, तो 13 दिन का जो ये पीरियड है ये प्रत्येक राशि में प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को कैसा फल देने वाले होंगे, आइए जानते हैं इसके वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये इसके लिए आपको तारा चक्र समझना बहुत ज़रूरी है और राशि से ये प्रिडिक्शन है। आप अपने सूर्य से भी ये प्रिडिक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सर्वप्रथम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए। सूर्य जो चलेंगे सिंह राशि के अंदर पंचम स्थान के अंदर, ये 13 अगस्त से 30 तारीख तक जो 16 से 30 तारीख तक का जो पीरियड है 13 दिन का, ये मघा नक्षत्र में खास करके जो भी जातक का जन्म मेष राशि में है इनके लिए ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट करने वाले होंगे। लव मैटर में संतान रिलेटेड सामान्य चिंता टेंशन आपका बढ़ सकता है। सह सट्टा लॉटरी इत्यादि करने वाले जातकों के लिए समय शुभ नहीं होगा। अश्विनी नक्षत्र में जन्म जातकों के लिए ये जन्म तारा के अंदर है। भरणी नक्षत्र में जन्म जातकों के लिए अतिमित्र नक्षत्र में है और कृतिका नक्षत्र का जो प्रथम चरण मेष राशि में है इनके लिए ये मित्र तारा के अंदर है, इसलिए आपको इतना अशुभ फल देने वाले नहीं है। फिर भी सूर्य जहाँ पर दृष्टि करते हैं उस स्थान को जला देते हैं, मतलब 11वें स्थान में दृष्टि होने के कारण बिजनेस में करियर में किए गए काम का रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा या तो बहुत कम मिलेगा। मित्रों के साथ रिलेशन में तनाव आ सकता है, तो संतानों के साथ, अपने मित्रों के साथ, आपके लव वन के साथ आपको रिलेशनशिप में केयर करना होगा। दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य चौथे स्थान के अंदर चलेंगे तो माता एवं पिता से दोनों से तरफ से टेंशन आपको मिलने की संभावना है। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करना उचित नहीं होगा। कृतिका नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए ये मित्र तारा के अंदर होंगे। कृतिका के तीन चरण जो है ये वृषभ राशि के अंदर आते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र वाले जातकों के लिए ये ट्रांजिट वध तारा के अंदर होगी। वध तारा शुभ फल देने वाला नहीं है। मकान वाहन प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करना उचित नहीं होगा और रिलेशन में खास करके माता पिता, अपने इन लॉस, जॉब में अपर लेवल, ये सबके साथ केयर करना होगा। हार्ट के जो भी जातक हैं इनको अपने हार्ट के बारे में ज़्यादा केयर करना होगा, अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना होगा। तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए क्या फल होगा? मृगशीर्ष नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए ये ट्रांजिट साधक तारा के अंदर होगी। तो साधक तारा जो है वो सफलता देने वाला होता है, सक्सेस देने वाला होता है, फिर भी स्थान चौथा है इसलिए इतना शुभ फल नहीं देंगे। थोड़ा थोड़ा टेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा। मिथुन राशि। राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य चलेंगे पराक्रम स्थान के अंदर, साहस भुवन के अंदर। अपने साहस में वृद्धि करने वाले होंगे, आपके जोश में उत्साह में वृद्धि करने वाले होंगे। भाई बहन से लाभ मिलेगा, भाई बहन के पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, लेकिन छोटी छोटी यात्राओं में डिस्टर्बेंस आ सकता है। मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए ये ट्रांजिट ज़्यादा शुभ फल देने वाला होगा। आद्रा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए ये प्रत्यारी नक्षत्र में होंगे। प्रत्यारी माने ऑपोजिशन, तो विरोध होगा। विरोध कहाँ से होगा? आपके भाई बहन या तो नेबर्स की ओर से होगा। और पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए ये जातक थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग करवाने वाला होगा।
ब्रदर सिस्टर्स एवं नेबर्स की ओर से, क्योंकि शत्रु योनि में चलेंगे। पुनर्वसु की जो योनि है ये मांजर योनि है, जबकि मघा नक्षत्र की योनि सिंह, मघा नक्षत्र की जो योनि है ये मूषक योनि है। मूषक माने चूहा, ये दोनों कट्टर शत्रु हैं, तो उसके कारण आपके जो भाई बहन, आपके नेबर्स, फादर, क्योंकि सूर्य में फादर भी आते हैं, गवर्नमेंट भी आती है, ये सब सूर्य में आते हैं, तो ये सब के कारण आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तो मिथुन पुनर्वसु के लिए भी शुभ नहीं है, कर्क पुनर्वसु के लिए भी शुभ नहीं है, और कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए ये विपद तारा के अंदर होंगे, धन स्थान के अंदर होंगे, तो फाइनेंशियल मैटर को लेकर, पारिवारिक मामलों को लेकर आप टेंशन स्ट्रेस महसूस करेंगे। जबकि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए पुष्य नक्षत्र के लिए विपद तारा है, आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातकों के, कर्क राशि में आश्लेषा के लिए जो ये ट्रांजिट होगी ये संपत्त तारा के अंदर होगी। लेकिन नक्षत्र जैसे हमने बताया कि शत्रु नक्षत्र है, मघा की योनि मूषक है, आश्लेषा की योनि मांजर है, मांजर माने बिल्ली, तो ये दोनों शत्रु है, जिसके कारण आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे रिगार्डिंग पारिवारिक मामलों को लेकर और फाइनेंशियल मैटर को लेकर। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए फल क्या होगा, आपकी राशि के अंदर चलने वाले सूर्य आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने वाले होंगे। फिर भी जो नक्षत्र मघा है ये थोड़ा सा केतु का नक्षत्र है, इसके कारण डिस्टर्बेंस तो महसूस करेंगे, हर कार्य के अंदर विलंब महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन में पार्टनर के साथ रिलेशन में तनाव आ सकता है, बिजनेस में यदि पार्टनरशिप है तो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव आ सकता है। माइंड का एग्रेसिवनेस बढ़ेगा, इसके इफेक्ट के अंदर आपको रिलेशन में अपने पार्टनर के साथ आपको केयर करना होगा। तो मघा नक्षत्र वाले ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करेंगे, क्योंकि सूर्य का मघा नक्षत्र है, जब चंद्र के ऊपर सूर्य पसार होंगे तो आपका एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगा। इट्स कॉल्ड अमावस्या योगा, जिसके कारण आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें, और ऐसी परिस्थिति के अंदर लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना, जल्दबाजी में लेना एडवाइजेबल नहीं होगा। मघा पूर्व फाल्गुनी के दोनों के लिए शुभ नहीं है, उत्तर फाल्गुनी के लिए मित्र तारा के अंदर है, प्रथम चरण सिंह राशि में है और इनके लिए भी इतना शुभ फल देने वाले नहीं है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य 12वें स्थान के अंदर होंगे तो आपके लिए ज़्यादा शुभ फल देने वाले होंगे। 12वें स्थान के अंदर सूर्य गवर्नमेंट से लॉसिस आने की संभावना रहेगी, आँखों का विशेष केयर करना होगा और आपके हेल्थ का भी केयर करना होगा, फादर के हेल्थ का केयर करना होगा, तो ये सब जगह पे केयर करना होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य लाभ स्थान के अंदर चलेंगे तो आपको मित्रों से लाभ करने वाले होंगे, सरकार से लाभ करने वाले होंगे, लेकिन दृष्टि जो होगी पंचम स्थान में, जिसके कारण आपको अपने संतानों के साथ रिलेशनशिप में विशेष केयर करना होगा। इसके बाद तुला राशि में नक्षत्र से बात करें तो कन्या राशि में उत्तर फाल्गुनी के लिए मित्र तारा है, कन्या में हस्त नक्षत्र में जन्म जातकों के लिए इसका फल ज़्यादा अशुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि आपके लिए वध तारा के अंदर चलेंगे, जिसके कारण आपको अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना होगा, मेडिकल एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं। कन्या चित्रा के लिए साधक तारा है लेकिन 12वें स्थान के अंदर है, इसलिए शुभ फल देने वाले नहीं है। तुला चित्रा के लिए साधक तारा होगा लेकिन आपके लिए 11वें स्थान के अंदर है, इसलिए थोड़ा सा बेटर मानेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने संतानों के साथ रिलेशनशिप में केयर करना होगा। शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि कार्य करने वाले जातकों के लिए भारी लॉसिस आने की संभावना रहेगी। तुला चित्रा के बाद बात करेंगे तुला स्वाति, स्वाति नक्षत्र के लिए ये ट्रांजिट है वो प्रत्यारी नक्षत्र में होगी, प्रत्यारी माने ऑपोजिशन, तो आपके अपने मित्रों के साथ, आपके संतानों के साथ आपका ऑपोजिशन हो सकता है। तुला विशाखा के लिए ये ट्रांजिट जो है ये एक्सेम तारा के अंदर होगी, जिसके कारण आपके लिए शुभ फल देने वाली होगी। फिर भी शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि के लिए करने का कार्य करने वाले जातकों को तो टेक केयर करना ही होगा। वृश्चिक विशाखा के लिए सूर्य 10वें स्थान के अंदर होंगे, विशाखा के लिए ये शुभ फल देने वाले होंगे। ज्येष्ठा में जन्मे जातकों के लिए ये ज़्यादा शुभ फल देने वाले होंगे, वृश्चिक ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए, जबकि वृश्चिक अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए ये ट्रांजिट विपद तारा में होगी, तो फादर के साथ, मदर के साथ, अपने इन लॉज के साथ, ये सब जगह जॉब में अपर लेवल के साथ, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में आपको विशेष केयर करना होगा, यदि आपका जन्म वृश्चिक राशि के अंदर अनुराधा नक्षत्र में हुआ है।
तो अनुराधा के लिए स्ट्रेसफुल ट्रांजिट है, दसवें स्थान के अंदर सूर्य है फिर भी स्ट्रेसफुल ट्रांजिट है, जबकि ज्येष्ठा के लिए एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाले ट्रांजिट है। मूला नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए सूर्य भाग्य स्थान के अंदर होंगे, मूला के लिए जन्म तारा है, पूर्वाषाढ़ा के लिए अति मित्र है और उत्तराषाढ़ा के लिए मित्र है, तो आपके लिए भाग्य में वृद्धि करने वाली होगी ट्रांजिट सूर्य की, आपके लिए शुभ फल देने वाली होगी। तो मकर राशि में जन्म जातकों के लिए सूर्य अष्टम स्थान के अंदर होंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लिए मित्र है, श्रवण के लिए ये ट्रांजिट ज़्यादा अशुभ होगी। जिनका भी जन्म का चंद्र श्रवण है या तो जन्म का सूर्य श्रवण नक्षत्र में है, ये जातकों को अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना होगा, क्योंकि आठवें स्थान में सूर्य और ये खास करके वध तारा के अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करवाने वाला होगा अपनी हेल्थ के बारे में, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर के बारे में। जो कोई भी जातक का जन्म 24 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में हुआ है, कोई भी साल के अंदर 24 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में जिनका जन्म हुआ है कोई भी साल के अंदर, इनका जन्म का सूर्य श्रवण नक्षत्र में होता है, और यदि आपका जन्म का चंद्र भी श्रवण है या सूर्य भी श्रवण नक्षत्र में है, तो ये ट्रांजिट आपके लिए थोड़ी ज़्यादा दुखद अनुभव करवाने वाली होगी। पारिवारिक मामलों को लेकर, हेल्थ को लेकर, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर को लेकर, ये सब जगह पे आपको तनाव आ सकता है। निवारण क्या करना है, दिन में 3 बार सूर्य दर्शन करना है और मघा नक्षत्र की शांति के लिए खान में थोड़ा सा तिल और गुड़ का प्रयोग करना है। दिन में 3 बार सूर्य दर्शन करें, सुबह में, दोपहर में, बिफोर सनसेट। मकर घनिष्ठा के लिए साधक तारा के अंदर होंगे, लेकिन आठवें स्थान में फल शुभ नहीं होगा, फिर जिसके कारण ये जो सक्सेस जोन है, लेकिन सक्सेस जोन का आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। कुंभ कनिष्ठा के लिए सप्तम स्थान के अंदर होंगे, तो पब्लिक लाइफ के अंदर ग्रैंड सक्सेस आपको मिलने वाली है, आपको अद्भुत सफलता मिलने वाली है, सरकार से लाभ मिलने वाला है। कुंभ सतारका के लिए प्रत्यारी नक्षत्र होगा, जिसके कारण आपके पार्टनर के साथ आपका ओपोजिशन होगा, और कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए एक सेम तारा के अंदर होंगे, तो आपके लिए शुभ फल देने वाले होंगे। पब्लिक लाइफ के अंदर आपको ग्रैंड सक्सेस देने वाले होंगे। मीन राशि, राशि चक्र की 12वीं राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य 6वें स्थान के अंदर चलेंगे, मघा नक्षत्र का ट्रांजिट जो है सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाला होगा। जिनका जन्म का चंद्र रेवती है, जिनका जन्म का सूर्य रेवती नक्षत्र में है, इनके लिए ये ट्रांजिट एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाली होगी। 16 से लेकर 30 तारीख तक का पीरियड आपको सरकार से लाभ, पिता से लाभ, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, ग्रैंड सक्सेस। कुंभ पूर्व भाद्रपद, मीन पूर्व भाद्रपद के लिए भी शुभ है, क्षेम तारा के अंदर है, लेकिन मीन राशि में खास करके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए विपद तारा के अंदर होंगे। विपद तारा में इतना सुखद अनुभव करवाने वाले नहीं होते, कहीं ना कहीं से स्ट्रेस टेंशन मिलेगा। हालांकि सूर्य 6वें स्थान के अंदर रोग शत्रु पर तो विजय देने वाले ही है, लेकिन टेंशन और स्ट्रेस के साथ विजय बिताएगा। तो रेवती नक्षत्र वाले जातकों के लिए ट्रांजिट ज़्यादा शुभ फल देने वाली होगी। खास करके बुध के नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये जातकों के लिए ये ट्रांजिट इसमें सबसे ज़्यादा शुभ फल मिलेगा। ज्येष्ठा सेकंड नंबर पर, रेवती और थर्ड नंबर पर आश्लेषा बोल सकते हैं, क्योंकि आश्लेषा के लिए भले संपद है, लेकिन शत्रु योनि में है, तो योनि दोष लगने के कारण ये आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। सूर्य की जय मघा नक्षत्र की शांति के लिए क्या करना है, खाने में थोड़ा सा तिल का प्रयोग करना है, हरे वाले सब्जी ज़्यादा खाना है, पेट में कॉन्स्टिपेशन ना रहे इसका केयर करना होगा, क्योंकि केतु का नक्षत्र है जिसके कारण बॉडी में कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है। ये इसकी नाड़ी जो रहेगी मघा नक्षत्र की अंत्य नाड़ी रहेगी, जिसके कारण आने वाले समय में बॉडी में एसिडिक रिएक्शन भी बढ़ सकता है, एसिडिटी भी बढ़ सकती है, तो खान पान में विशेष कर करें। यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस आपके नाम के साथ व्हाट्सएप कर दें हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए ऐसा लिख के, और यदि आप अपना कुछ कन्फ्यूजन है तो एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री, ओनली वन क्वेश्चन, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आपके नाम के साथ व्हाट्सएप कर दें, हम आपको व्हाट्सएप में आंसर कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर इस प्रकार रहेगा 9998011838, यानी कि 9998011838। वीडियो पसंद आता है तो लाइक का एक बटन जरूर बनता है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये प्रेडिक्शन का लाभ मिल सकें।
आप जहाँ भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामना के साथ मिलेंगे जल्दी नए वीडियो में। जय गणेश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।